के खत्म किया जाता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम अलर्ट। क्यों भेजिए भाई मेरे पास? मैं अब हम दोबारा जा रहा हूँ। सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए मैं तुम्हारे इस भरोसे पर यकीन करूं हमेशा एहसान करूँ। कम ऑन डार्लिंग, प्यार में कोई किसी पे एहसान नहीं करता। मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि भगवान ने हमें एक और मौका दिया साथ रहने के लिए। और तुम भी तो यही चाहती थी, है ना? हाँ। भाई क्या हो गया भाई? अरे बे बचाओ, मिनित रोको रोको, शायद भाव कोई मुसीबत में है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। कोई है? अरे कोई है, क्या हो गया? भाई नहीं नहीं, पता नहीं कैसे लोग होंगे, और वैसे भी आजकल किसी का कोई भरोसा है? तुम ये कैसे पागलों जैसी बातें कर रहे हो? अगर हम उनकी जगह पे होते तो। लेकिन हम तो। ये सब छोड़ो, अभी चलो, प्लीज चलो, अभी उनकी मदद करते। अरे अच्छा बाबा रुको, गाड़ी साइड लेने दो मुझे, रुको। ठीक है चलो उतरो। अरे कोई मदद करो। अरे आगे खोल। ठीक है भाई साहब, अब देखो ना क्या हो गया मेरे भाई को। पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। सर इनके तो अभी सांस चल रही है, तो इसे तुरंत अस्पताल ले चलो। ओके सर। आजकल इंसान रास्ते में किसी मुसीबत में पड़े इंसान की मदद करने से भी कतराता है, क्योंकि वो डरता है कि कहीं ये मदद उसके गले का फंदा ना बन जाए। हाईवे पर एक लड़की उसके साथी के मना करने के बावजूद उसे अपने साथ लेकर सड़क पर बेहोश पड़े एक इंसान की मदद करने के लिए अपनी गाड़ी से उतरती है और उनके चक्रव्यूह में फंस जाती है, और कुछ ही क्षण में दोनों पर गोलियां चल जाती है। कौन थे ये लड़का लड़की और कौन थे ये लोग? क्या ये सड़क पर लोगों को लूट कर मारने वाला कोई गैंग था या कुछ और? और कौन था वो शख्स जो बेहोशी का नाटक कर अपने साथियों के साथ इस साजिश को अंजाम दे रहा था? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। आइए क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में देखते हैं हाईवे पर हुई इस घटना का पूरा सच। शर्मानी चाहिए दुबे जी आपको, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। इससे पहले भी आप ही ने हेरा फेरी की थी ना? और नहीं तो क्या, और किसी में इतनी हिम्मत कहा? मुझे तो पहले भी इन्हीं पे ही शक था। सर ये मेरी पहली गलती है, बस एक बार माफ कर दीजिए। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, मेरा क्या होगा? भगवान की कसम खाता हूँ सर, दोबारा अगर मैंने ऐसे किया तो उसकी सजा मुझे दे। क्यों, जब आप ये घटिया हरकत कर रहे थे तब आपको भगवान याद नहीं आए? विनीत, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये सुबह सुबह शोर किस लिए?
और ये भीड़ क्यों लगा रखी है? सर एक्चुअली वो दुबे जी, सर दुबे जी बिना डिलीवरी के ज्यादा माल का बिल रेज कर रहे थे तो मैंने उन्हें पकड़ लिया। क्या दुबे तुम? सॉरी सर। क्या सॉरी दुबे? तुम मेरे स्टाफ के सबसे पुराने आदमी हो। मैंने तुम्हारी हर जरूरत को तुम्हारे बोलने से पहले पूरा किया और तुमने मुझे ये सलाह दिया? सर दोबारा ऐसा नहीं होगा। दोबारा ऐसा मौका तुम्हें मिलेगा भी नहीं। इससे पहले कि मैं अपना आपा खोदूं, चले जाए वहां से। गुड जॉब विनीत। अनिका वेल डन। थैंक यू सर। बच्चों मिलो सबसे। ये है मेरी बेटी काजल। हेलो मैम। हेलो। हेलो मैम। हाय। ये विनीत है, ये अनिका। देखो वो गाड़ी आ रही है ना, उसको जा देखना। तो वो गाड़ी बेटा जाओ, जाओ वो गाड़ी आ रही है ना, जल्दी जाओ। क्या हो रहा है? वो मैं गाड़ी चला रही थी, ये बच्ची अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आ गई, मैं क्या करती? क्यों सड़की को परेशान कर रहे हो तुम? नहीं भैया जी, इन्होंने मेरी बेटी के एक्सीडेंट कर दिया। मेरी बेटी के देखो पैर में मोच आ गई, आप देखें जरा। मैं तुम्हारा नाटक काफी देर से देख रहा हूँ, अब यहाँ से चले जाओ वरना मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं नहीं पुलिस को नहीं प्लीज। अरे आप डरो मत, आप आराम से जाओ। ये लोग एक्सीडेंट के नाम पे लोगों को ऐसे ही ठगते हैं। प्लीज आप जाइए। चलो। हाँ। मानना पड़ेगा बहुत बड़ी बहादुर दिखाई भी नहीं तो अनिका ने। अरे जो इतनी बड़ी हेराफेरी कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। क्या कर सकता है? कर क्या लेगा, हम क्या किसी से डरते हैं? अरे अनिका हम तो बस बातें कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे थे? जाकर बोल देना जो करना है कर ले। अनिका क्या करती हो? अनिका क्यों सबसे लड़ती रहती हो? थोड़ा बर्दाश्त करना भी सीखो। पता है आज मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है ना, और हमें घर भी जल्दी जाना है। चलो अंदर आओ। आओ थैंक यू। थैंक यू।